कहा जा रहा है कि जो ये बहराइच में आदमखोर भेड़िया है क्या वो वुल्फ डॉग्स हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जीव वैज्ञानिकों ने इसकी आशंका जताई है, अगर ये वुल्फ डॉग्स हैं तो फिर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वुल्फ डॉग्स भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं। आखिर ये वुल्फ डॉग क्या है, कैसे ये खतरनाक होते हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आदमखोर कहीं वुल्फ डॉग तो नहीं? दहशत फैला रहे भेड़िये क्या वुल्फ डॉग हैं? भेड़िये से भी खतरनाक होते हैं वुल्फ डॉग। क्या वुल्फ डॉग बहराइच में शिकार कर रहा है? एक के बाद एक अटैक, 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। बहराइच के 45 किलोमीटर के इलाके में फैली दहशत के बीच अब आशंका जताई जा रही है कि दहशत फैला रहे भेड़िये कहीं वुल्फ डॉग तो नहीं। तो ये ऐसा जो केस देखे जा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में घुसना और आदमखोर बन जाना, तो हम ये इस चीज को हम निष्कर्ष पे जा सकते हैं कि इस तरीके के चीजें हो सकती हैं कि इन दोनों को इंटरक्रॉस हुआ हो और जो हाइब्रिड है जिसके कारण वो हमारी सोसाइटी में इंटर कर रहे हैं और वहां पे डॉग के भी एडाप्टेशंस दिख रहे हैं और कुछ भेड़िया के भी एडाप्टेशंस हैं जो आदमखोर हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर वुल्फ डॉग होता क्या है और बहराइच के हमले के बीच इसकी चर्चा क्यों तेज हो गई है। दरअसल वुल्फ डॉग्स भेड़िये और कुत्ते का क्रॉस ब्रीड होते हैं। ये भेड़िये का जंगली मादा कुत्ते से संपर्क में आने से पैदा होते हैं, जो भेड़िये जैसे ही दिखते हैं लेकिन क्रॉस ब्रीड होने के कारण इनका बिहेवियर बदल जाता है। क्रॉस ब्रीड होने के कारण ये बेहद खतरनाक होते हैं, यानी भेड़िये से भी ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं। यही वजह है कि हमला करने वाले भेड़िये हैं या वुल्फ डॉग, इसको पहचान पाना आसान नहीं होता है। क्रॉस हो सकता है, इसके हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, मे बी क्रॉस हो वुल्फ और डॉग का, क्योंकि नेचर में स्पीशीज बनती हैं और खत्म भी होती रहती हैं, ठीक है। और नेचर में अगर आप देखोगे पहले घोड़े और गधे के मिक्सर से आपका वो बना था खच्चर, ठीक है। तो क्रॉस पहले भी बने हैं, क्रॉस में भी ये हो सकता है, और इसका जो नेचर है आप देख रहे हैं पहले भेड़िए से कहीं ज्यादा अटैकिंग मूड में, तो इसका हो सकता है बिहेवियर चेंज हुआ। जानकार मानते हैं कि वुल्फ डॉग हो सकते हैं, लेकिन बहराइच और उसके आसपास होने की आशंका क्यों जताई जा रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। जानकार बताते हैं कि भेड़ियों का रंग हल्का डार्क होता है, लेकिन जो भेड़िये बहराइच और उसके आसपास देखे गए उनके रंग में हल्का अंतर है। भेड़िये के स्वभाव से ज्यादा आक्रामक और खतरनाक है। जल जमीन और जंगल में वन विभाग और गाँव वालों की मूवमेंट के बावजूद भी ये इलाका नहीं छोड़ रहे। यही वजह है कि वैज्ञानिक वुल्फ डॉग होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में एक एनजीओ काम करता है और उस एनजीओ ने इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि भेड़िये अमूमन साई होते हैं, दिन में वो मतलब बस कर रहते हैं और रात में आते हैं अंधेरों में अपने शिकार या मेट को ढूंढते हैं, ठीक। लेकिन जिस तरीके से ये अपना नेचर दिखा रहा है तो इसको मतलब इसका अमूमन कलर भी चेंज है, पहले से जो भेड़िया था उसका थोड़ा डार्क कलर था लेकिन इसका कलर लाइट है, तो कलर भी चेंज है, मॉर्फोलॉजी भी चेंज है, तो मैं ये प्रेडिक्शन लगा सकता हूँ कि ये वुल्फ और मतलब डॉग का मिक्सर है। और ये बात एनजीओ भी इस बात की पुष्टि कर रहा था कि मे भी हो सकता है वुल्फ डॉग का मिक्सर, क्योंकि ये अभी नया नया इशू आया है तो रिसर्च होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या सच में वुल्फ डॉग्स हो सकते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक भारत में इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन इसका दावा एक रिसर्च में किया जा चुका है।
महाराष्ट्र में हुए रिसर्च में वुल्फ डॉग होने का दावा किया गया था। 1992 से 95 तक महाराष्ट्र में भेड़िये पर रिसर्च किया गया था। अमेरिका भी वुल्फ डॉग की पुष्टि कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय भेड़िया शोध संस्थान अमेरिका ने वुल्फ डॉग नस्ल तैयार होने का दावा किया था। अमेरिकी शोध संस्थान ने उत्तरी अमेरिका और कनाडा में वुल्फ डॉग के हमले का दावा किया था। ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि बहराइच और प्रदेश के दूसरे जिलों में आतंक फैलाने वाले आदमखोर भेड़ियों में कुछ वुल्फ डॉग भी हो सकते हैं। यहां तक कि इनकी संख्या भी बढ़ गई है। सियार, भेड़िया, जंगली कुत्ते, ये लगभग एक ही फैमिली टाइप के हैं, तो इनमें क्रॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है, होता रहता है, और कभी कभी बिल्कुल अलग अलग फैमिली के जंतुओं के बीच में भी होता है। लेकिन अब वो कोई कॉमन ऐसी चीज नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़े। आम तौर पे स्वभाव का परिवर्तन, अभी आप लोगों ने बताया, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, उनके रहन सहन के स्थान के कारण और उनके भोजन की आदतों के बारे में। जंगल में छोटे पशु जिनका ये शिकार करते थे उनकी मात्रा कम हुई है, और यहाँ जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल से तमाम चोरी छिपे शिकारी आते हैं यहाँ, तो छोटे जंतुओं की संख्या कम हो जाने के कारण भी हो सकता है उनको भोजन की कमी हो। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के पीछे कई वजहें हो सकती है। वन्य जीव विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि हमलावर भेड़ियों में कोई एक रेबीज पीड़ित कुत्ते के संपर्क में आकर आक्रामक हुआ हो, फिर झुंड के बाकी भेड़िये भी संक्रमित हो गए हों। पिंजरे लगाने या मारने से समस्या खत्म नहीं होगी, उनके व्यवहार में बदलाव के असल कारणों का पता लगाना होगा। जब एक बार इनके मुंह में इंसानी खून लग जाता है तो ये उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। जहाँ कहीं एक गांव में अगर किसी बच्चे को उठाया तो फिर कुछ घटनाएं लगातार होती है। फिर गांव के लोग जाग करके, दौड़ा करके, पटाखे चला के भगाते थे, वो बात खत्म हो जाती थी। ये कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इधर जो ज्यादा बढ़ा है, ये आपने देखा होगा कि ये स्वभाव का जो परिवर्तन है कुत्तों में भी है। तमाम शहरों में कितने बच्चों को कुत्ते मार के खा गए, जबकि ये मनुष्य के बीच का प्राणी, हमारे परिवार का प्राणी माना जाता था। भेड़ियों की दहशत से महसी तहसील क्षेत्र के 50 से अधिक गांव के लोग सहमे हुए हैं। सेक्टर बनाकर टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन भेड़िये लगातार उन्हें चकमा दे रहे हैं। इसी बीच वुल्फ डॉग की आशंका से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वुल्फ डॉग्स और भेड़ियों में अंतर कर पाना मुश्किल है। दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। भेड़िये हल्का डार्क रंग के होते हैं, इनका रंग थोड़ा लाइट देखा गया है। भेड़िये रात में ज्यादातर हमलावर होते हैं, जबकि वुल्फ डॉग्स किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। भेड़िये स्वभाव से खतरनाक तो होते हैं, लेकिन वुल्फ डॉग भेड़िये से भी ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। भेड़िये झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वुल्फ डॉग्स अकेले भी शिकार कर सकते हैं। भेड़िये बच्चों पर ज्यादातर हमलावर होते हैं, जबकि वुल्फ डॉग्स किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। बहराइच में भेड़िये के हमले से अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है, और करीब 40 लोग घायल हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन वुल्फ डॉग की आशंका के बीच टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बहराइच के जिन इलाकों में दहशत है, जहां भेड़ियों के हमले हो रहे हैं, उन इलाकों के खुले घरों में सरकार ने दरवाजे लगवाए और अंधेरी गलियों में सोलर लाइट्स। अब रात में लोगों को इन सुविधाओं से कितनी राहत है, लाइट समय से काम कर रही है नहीं कर रही है, देखिए कुलाला गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। गांव गांव लग रही है और कुलाला गांव में भी कई सोलर लाइट्स लग चुकी है। हम ये चेक करेंगे कि क्या अब रात के अंधेरे में ये सोलर लाइट्स जल रही हैं या नहीं जल रही हैं। सबसे पहले इस तरफ की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कुलाला गांव का ये नजारा है, और इधर घुप अंधेरा नजर जरूर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें गोपी दिखाइए कि किस तरह से अब यहाँ कई सोलर लाइट्स लग चुकी हैं। अब यहाँ लोग जो खुले में सोते हैं, खुले में सोने को मजबूर हैं यूं कहें तो, अब उनके लिए बेहद राहत की बात हो गई। इस दादा को भी दिखाइए किस तरह से दादा लाठी के सहारे, अपने पोते के सहारे चल रहे हैं। नजरों से साफ दिखता नहीं है, और सोचिए इनके दिल पर क्या बीतती होगी, ये देख भी नहीं सकते। और एक बच्चे को इस तरह से साथ लेकर के चलते हैं, बच्चा अलग डंडा लेकर चलता है और दादा अलग लाठी थामे हुए हैं, आंखों की रोशनी नहीं है। और ये इनके दर्द
को बयान नहीं किया जा सकता। और ये देखिए, यहाँ की तस्वीर हमने दिखाई थी कि ये सोलर लाइट आज सुबह हमने कवर किया था कि सोलर लाइट्स गांव में लग चुकी हैं। हम देखना चाहते थे कि क्या सोलर लाइट्स लगी जो हैं उनमें रोशनी आई कि नहीं आई, लेकिन रियलिटी चेक में इस वक्त सभी सोलर लाइट्स कुलेला गांव की जलती हुई नजर आ रही हैं, जो बेहद अच्छी बात है। और जितनी भी सोलर लाइट्स लगाई जा रही हैं उन सोलर लाइट्स को ऐसे ही शाम होते ही जल जाना चाहिए। और ये किशन का घर है और इसी घर पर भेड़िया ने अटैक किया था और किशन को मां की गोद से छीन कर ले गया था और उसका शव इनके मकान के ठीक पीछे गन्ने के खेत में ही मिला था और इधर से भेड़िया आया होगा ऐसा गांव वाले कहते हैं। जबकि ये दरवाजा लग चुका है, उजाला हो चुका है, तो थोड़ी राहत जरूर मिली है। कम से कम और के साथ ये हादसा इस तरह का ना हो, है ना, किसी और के साथ अब इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार कदम उठाए, यही कहना चाहेंगे आप? बहुत दुख भरी घड़ी है और ये सारे बच्चे देखिए किस तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही दादी आप क्या कहेंगी, अब यहाँ दरवाजा भी लग गया, आप रो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं और आंसू सूख चुके हैं, अब आंसू भी नहीं निकलते, इतना दर्द है, अथाह दर्द है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि बेटे को खोने का गम क्या होता है। जब ने गली निकलता है वही गली चेंज करो, जब गुण कहीं गिरता है गिरता हूँ रात करो भैया, दिन का दिन बीत जाते है, किसान आवाज चलेगी सबसे ठीक रहा है, वे मेरा लड़का फूल गिरत रहा है उनके बोले। अच्छा दादी रोइए मत, रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं, आपके दुख में शरीक हैं, आप बिल्कुल परेशान, अब भाई ये तो है ही, अब घर का चिराग तो था ही और वो नहीं रहा, भेड़िया के खौफ की वजह से नहीं रहा, लेकिन अब जबकि ये रोशनी जल गई है, अब किसी और के साथ ये हादसा ना हो यही प्रार्थना करती है कि किसी और के साथ ये ना हो। किसी के अब ना हो चाहिए सर, जो नहीं है इनका नीक राख है और अब उतना न हो चलते जिंदगी में आए बाबा कहो तो चूक हो गए नहीं भैया कहो लुकवा ली। लाइट लगने से कितना राहत मिली है गांव वालों को? राहत मिली है, उजेला है तो सब दिखात है और अंधेला रहा है तब तो उठा लेगा। अच्छा लाइट की क्या स्थिति है गांव में? लाइट लाइट तो आवत है, आवत है, अभी लाइट आ रही है इस वक्त? अभी आ रही है तो अब गए है, अभी गई है। अच्छा अभी गई है तो कब तक आएगी लाइट? घंटा खान बाद आएगी, तो घंटा खान बाद आ जाती है, मतलब रात में लाइट रहती है, रहा है। और अब सोलर लाइट भी जलेगी तो ठीक ठीक रहेगा। दूसरी गली की तरफ हम चल रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए एक लाइट लगाई गई थी, हम वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पर सोलर लाइट जल रही है नहीं जल रही, लेकिन दूर से नजर आ रहा है कि सोलर लाइट यहाँ भी जलती हुई नजर आ रही है। यानी कह सकते हैं कि सोलर लाइट के लगने से गांव वालों को बड़ी राहत मिली। गाय तो ज्यादा दिखाइए किस तरह से ये लोग बैठे रहते हैं अपने बच्चों के साथ। अब दरवाजा कुछ घरों में लग चुका है, कुछ घरों में दरवाजे अभी भी उस तरह से नहीं है, होने चाहिए, वहां भी दरवाजे लग जाएं तो बेहतर होगा। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट जल रही है, इससे कम से कम इस गली में अंधेरा हो गया है। देखिए जंगल टाइप सा इलाका है, पेड़ पौधे हैं और गन्ने का खेत तो है ही चारों तरफ, लेकिन सोलर लाइट के लगने से अब गांव वालों को बड़ी राहत मिली है। देखिए एक लाइट ये भी जल रही है, सोलर से ही जल रही है और इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। तो हमने कुलेला गांव का रियलिटी चेक किया और ये जानने की कोशिश की कि जिन सोलर लाइट्स को गांव-गांव लगाया गया है वो रात के अंधेरे में जलती भी हैं या नहीं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 कुलेला गांव, महसी तहसील बहराइच। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है तो वहीं कई जिलों में जंगली जानवरों के हमले की तस्वीरें भी सामने आई और बहराइच में भेड़िये की तलाश भी की जा रही है। कौशाम्बी में 3 दिन में 5 हमलों की खबर है। जंगली जानवरों ने अब तक बच्चों समेत 4 लोगों पर अटैक किया है। गांव वालों का दावा है कि भेड़िये ने हमला किया है, जबकि वन विभाग के अधिकारी इसे सियार और लक्कड़ बग्घा होने का दावा कर रहे हैं। चंदौली में जंगल से सटे गांव में जंगली जानवर ने 2 लोगों पर अटैक किया है। जिसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। बरेली में भी जंगली जानवर ने एक महिला पर अटैक कर दिया है। अंबेडकर नगर के प्यारेपुर गांव में जंगली जानवरों के झुंड ने सो रखे लोगों पर अटैक कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने जंगली जानवर को भेड़िया समझकर पीट पीट कर मार डाला, लेकिन बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं सियार था।